अनुशासन की, मतलब संगीत सीखना आसान काम नहीं है गुरुओं के पास जाके। और अब तो खैर अब जो इस टाइप का जमाना आ गया व्यवसायिक टाइप का, पहले तो समझ लो संगीत सीख लो मतलब तुम्हारी आत्मा मर गई समझ लो, वो तुम्हारी लात मार दे, वो चप्पल फेंक के मार दे तुम्हें, और उसकी मतलब जो कह रहा वो ही करना, उससे एक शब्द भी उधर नहीं जाना। अब चलिए तो एक किस्सा हो गई। अब इसमें तीनों गजल गायकी से आए थे अनूप जलोटा। अब गजल गायकी में दो तो सफल हो गए, लेकिन ये अनूप जलोटा भी पहले गजल गाता था, लेकिन गजल में जाए कोई फटे पत्ता को नहीं पूछो, तो फिर ये भजन की लाइन में गया और वहां सुपर डुपर हिट हो गया। लेकिन है वो तीनों गजल की बेस बनाई थी उनने, ये बात हो गई। और तीनों एक ही बात से आए, एक ही साथ आए, लेकिन तीनों ने मुकाम हासिल किया है जा भी कहना पड़े। अब जे जगजीत सिंह क्या करता था, जब सीखने जाता था तो रस्ते में पड़ता था चित्रा सिंह का घर, जो का कर जैसे चित्रा सिंह को बालकनी में बैठा बालका संभाली तो जो साइकिल की चेन उतार दी थोड़ा के वहां कचु करके, वो भाई खड़ो रहा है, वो भाई चेन चलाते रहे तो तकत रहे तो चेन चलाते रहे तकत रहे तो, क्योंकि वो चित्रा सिंह भाई सीखती थी वो बजाओ से भयंकर चढ़क थी, क्योंकि इसकी आवाज थी फटेबाज भाई, मतलब आज भले ही दुनिया इसकी पूरी आवाज को पूछ रही, मतलब इसकी आवाज वो बेस वाली और उसकी आवाज बिल्कुल पतली, मतलब इसकी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी ना इसकी आवाज को ना इसको। अब फिर एक दिन क्या हुआ, अब बिहार में उसके घर आने जाना कैसे ना कैसे बहाने निकाल लेते जो घर को, तो आप बैठा जा रहे हैं में चले गए, तो जो जाने के बाद हारमोनियम जहाँ पर बहुत बस को जाने का वो वहाँ हारमोनियम बजा दिए। उस दिन चित्रा सिंह ने महसूस किया कि फटे वहाँ वाला गाता अच्छा है मगर दिल से कुछ हल्का सा प्यार उसके उस दिन जगा चित्रा सिंह का। शुरू में चित्रा सिंह जहाँ बहुत लतियाओ, लेकिन चित्रा सिंह की शायद पहले विधवा हो गई थी कि इसके इनका लव मैटर के बाद शादी हुई उसकी और वो विधवा हो गई, या वो पहले से ही विधवा थी चित्रा सिंह से इसकी शादी हुई, कुल मिलाकर चित्रा सिंह एक विधवा महिला थी जी मैं तुमको बता दूं, या तो वो विधवा ही थी तो विधवा से इसने इस किया, या फिर इनके चक्कर चलो बार 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 शादी हो गई बार विधवा हो गई फिर जान जबास भी आओ करूंगा जो कुछ भी नाटक रहा हो। इसके बाद इनका एक मात्र लड़का था, ये तो अब भी की बात है। अच्छा, तो वो एक एक्सीडेंट में मर गया, बड़ा हो गया। बस उस दिन के बाद जगजीत सिंह ने हारमोनियम छोड़ दी, उसमें चला गया डिप्रेशन में, करीब 5-7 साल 8 साल डिप्रेशन में रहा, बहुत बुरी स्थिति हो गई। फिर उसको कुछ लगा कि अरे यार इससे कोई मतलब नहीं, मुझे फिर से गाना चाहिए, और इनने फिर से गायकी शुरू की। उसके बाद ज्यादा दिन थोड़ी थी, उसके बाद वो भजन जो जो उसने गाया है ना श्री कृष्ण राधे कृष्ण जो तुम भजन सुनते रहते हो, वो उसके लड़के के मरने के बाद का खेल है ये। आज अपन नहीं सुनते उनके राधे जगजीत सिंह का कोई राधे कृष्ण का भजन, वो देखा श्री राधे कृष्ण वो भजन वो नहीं गाते रहता, ये सब उसके लड़के के मरने के बाद की फील्ड है वो पूरी। अच्छा, भजन पे आ गया वो, फिर भजन में आ गया वो। आजकल बहुत चलते हैं उसके, बहुत चलते रहते हैं, तुम नहीं सुने कपड़ा का कुछ नहीं, केवल इतना ही बोलता लेकिन उतना मीठा उसका वो जगजीत सिंह कृष्ण भजन ऐसा कुछ डाल दे। याद आई जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा सब जीता किए मुझसे मैं हर दम ही हारा।